खा नहीं रही सब। गुड इवनिंग। आज आप लोगों के लिए बढ़िया चीज लेकर के आया हूं। जैसा कि आप लोगों ने देख लिया होगा, टाइटल लगा हुआ है क्लॉक के बारे में। आज मैं आपको बताऊंगा। पिछली क्लास जो आप लोगों ने ली थी, मैंने डाइस के बारे में आपको बताया था, उसके बाद एक टेस्ट पेपर आपको कराया था। आज क्लॉक के बारे में आप चीजों को सीखेंगे। उसको सीखने से पहले देखिए, एक लाइन बहुत बढ़िया लिखी। इस लाइन को बड़ा ध्यान से हर बच्चा अनुसरण करता भी है, और स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा कही गई बात है कि उठो, जागो, बढ़ो और तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। और हर विद्यार्थी को इस बात का अमल करना चाहिए, बिल्कुल कन्फर्म। आज जितनी बातें भी मैं सिखाऊंगा, उन बातों को बहुत ध्यान से आप सीखिएगा। जिन बच्चों को क्लॉक आता है उनको भी बड़ा अच्छा लगेगा, और जिनको नहीं आता उनको तो बहुत अच्छा लगेगा कि सर ये सब नई चीज़ें आज आपने सिखा दी। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूँ कि सब कुछ आप लोगों को क्लियर दिख रहा होगा। एक बार जो भी बच्चे जुड़ गए बताएं, आवाज़ मेरी क्लियर आ रही है आप लोगों तक? एक बार बच्चे कन्फर्म कर दें, आवाज़ मेरी क्लियर आ रही है? बच्चे जुड़ गए बताएं, आवाज़ मेरी क्लियर आ रही है? चलिए, आवाज़ बिल्कुल क्लियर है। जैसा कि देखिएगा, यहाँ पर क्लॉक बनी हुई है, और क्लॉक को अगर आपने कभी गौर से देखा होगा तो ये तीन सुइयां आपको नजर आती हैं। ठीक है, यहाँ पर क्लॉक को आप फिर देख लीजिएगा, जिन बच्चों ने कभी क्लॉक को नहीं देखा है। वैसे तो ये हो नहीं सकता कि क्लॉक आपने ना देखी, और देखिएगा तीन सुइयां आपको नजर आ रही हैं। एक विशेषता आपने देखी है कि मैं बताता हूँ क्लास में अक्सर इस बात को कि क्लॉक में सबसे पतली जो सुई होती है वो कौन सी होती है? सेकंड वाली। तो एक बार एक बच्चे ने हमसे पूछ दिया कि सर एक बात नहीं समझ में आती, ये इतनी पतली क्यों होती है? तो मैंने जो बात बताई, तो उस बात को समझना, जो सबसे ज्यादा चल रहा है भाई, सेकंड की सुई सबसे ज्यादा चल रही है ना, बेचारी कभी रुकती ही नहीं है, टक 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 चलती रहती है। तो जो सबसे ज्यादा चलेगा वही वो सबसे दुबला होगा कि नहीं, इसीलिए सेकंड की सुई क्या है? सबसे दुबला। ये बात बता दूं, क्लॉक के ये सवाल नहीं आते वहां पर कि क्यों दुबला होता है। सवाल जो आते हैं उस पर मैं चर्चा करूंगा, और समझिएगा बहुत ध्यान से बेटा, एक एक बात में पॉइंट जो आपको सिखाऊंगा उस बात को सीखना कि क्लॉक में किस किस टाइप के प्रश्न आते हैं और हमें वहां पर क्या क्या ध्यान रखना है। सबसे पहला प्रश्न बेटा जो क्लॉक में बनेगा, पहला ही प्रश्न जो सबसे पहले बनता है वो बनता है कोण जानना। मतलब वो क्या करेगा कि आपको कोई एक समय दे देगा और उस समय आपसे पूछेगा कि बताइएगा कितने अंश का कोण बनेगा। अगर आप विगत किसी भी पेपर में देखिएगा तो आपको एक प्रश्न जरूर ऐसा मिलता है कि वो पूछता है कि बताइएगा कितने अंश का कोण बनेगा। जैसे एक छोटा सा उदाहरण मैं लिख हूं, मैंने लिखा कि भाई 10:50 पर कितने अंश का कोण बनेगा। तो इसके दो से तीन तरीके हैं आपके, आप जो भी तरीका आपको अच्छा लगता होगा वो आप अपनाते होंगे, लेकिन जो बात मैं आज बताऊंगा उसको समझिएगा, वो दो फायदा करेगी। एक तो आपका समय भी बचाएगी, और सबसे बढ़िया बात है कि गलत भी नहीं कभी होगा। अगर हम घड़ी बनाएं और उसमें 10:50 का समय बजाएं और उसके बाद हम देखेंगे कितने अंश का कोण बना है, तो बहुत से तरीके अपनाएंगे लेकिन उसके बाद भी चीजें क्या हो जाती हैं? गलत हो जाती हैं। हम आपको एक तरीका बताएंगे कि कभी भी ऐसा प्रश्न आए आप वहां पर क्या करेंगे कि आपका प्रश्न बिल्कुल सही हो। समय दिया गया है 10:50, तो पहला काम, कोई भी समय दिया जाएगा घंटे के साथ मिनट जोड़े जाएंगे। अगर हम बात करें यहां पर अनुपात की, समझिएगा बहुत ध्यान से, हमने क्या लिखा है? अनुपात। अब बहुत बच्चे कहेंगे कि सर दिया गया है समय और आपने लिखा है अनुपात। अच्छा, एक बात बताइएगा, 10:50 पर अनुपात क्या हो रहा है? तो आप कहोगे कि सर 1:5। कितना हो रहा है? 1:5। अब देखिएगा कितना आसान सी ट्रिक मिल गई। क्या 10:50 ही 1:5 होंगे? बहुत से ऐसे समय अभी आएंगे जो 1:5 में होंगे। तो एक बात दिमाग में सेट करिएगा कि अगर कोई समय
बिल्कुल एकदम जैसा मैं बताऊं उसको बात क्लिक करते जाइएगा। अगर कोई समय 1:5 में है तो मिनट का आधा, मिनट बाई टू हमेशा कोण बनेगा। अब आप कहोगे सर बिना कैलकुलेशन के आंसर आ गया, भाई 10:50 1:5 है, मिनट का आधा, मिनट कितना है यहां पर 50, तो मिनट रख दिया हमने 50 और 50 का आधा कितना हो गया भैया आपका 25, अर्थात 10:50 पर जो कोण निकल करके आया वो कितना निकल करके आया 25 अंश। अब अगर मैं प्रश्न यहां पर बनाता जाऊंगा तो उम्मीद करूंगा कि अब आप चीजों को क्लियर करते जाएंगे। जैसे मैं देखिए कुछ प्रश्न यहां पर नोट कर रहा हूं और देखिए उनके आंसर बिना कैलकुलेशन के कैसे आएंगे। ऐसे ही सब समय अनुपात से आंसर ला सकते हो बिना कैलकुलेशन के। देखिएगा मैं बता रहा हूं, मैं यहां पर कुछ प्रश्न लिख रहा हूं इनको देखिएगा और इनके आंसर कितने आसानी से आप ला सकते हो। और उसके बाद मैं प्रश्न भी आपको दिखाऊंगा जो एग्जाम के आए हुए प्रश्न, वो मैंने सब स्लाइड में रखे हुए हैं, आप देखिएगा। यहां पर मैंने लिखा 1:05, 7:35, 8:40 और 5:25। अच्छा, इन सभी समयों में समानता आप देख रहे होंगे कि अगर दिए गए चारों समय में अगर हम अनुपात की बात करें तो देखिएगा 1:05 तो 1:5, 7:35 तो 1:5, 8:40 तो 1:5 और 5:25 तो भी क्या आ रहा है आपका 1:5। अभी हम लोगों ने क्या बात सीखी थी कि अगर 1:5 हो तो मिनट का आधा। अब देखिए कितना आसान हो गया आंसर इसका, क्या होगा भाई 5 का आधा कितना हो गया 2.5, 35 का आधा कितना हो गया 17.5, 40 का आधा कितना हो गया 20 और 25 का आधा कितना हो गया 12.5। अब बताइएगा एग्जाम में सेकंडों में आंसर आएगा कि नहीं। और ऐसा नहीं ये प्रश्न मैंने बनाए हैं, ये एग्जाम में सभी क्या है आए हुए प्रश्न है और बहुत बच्चे फार्मूले का प्रयोग करते हैं। अभी मैं बताऊंगा कि किन प्रश्नों में आपको फार्मूले का प्रयोग करना है और किन प्रश्नों में फार्मूले का प्रयोग नहीं करना है। तो जो भी बच्चे इस समय क्लास देख रहे हैं एक बार मुझे थोड़ा क्लियर दिख रहा है भाई, चलिए कुछ थोड़ा समस्या के कारण यहां पर जहां पर बात थे वहीं पर फिर पहुंचते हैं कि 1:5 या 1:6 हो तो मिनट का आधा हमेशा कोण बनेगा। अब आप कहोगे कि सर मिनट का आधा का मतलब क्या हुआ भाई 36 है और 36 का आधा कितना होता है 18। तो देखिएगा अब कितना आसान बन गया है कि मैं अगर यहां पर सीधा सिक्वेंस बोलूं तो 1:05 पर 2.5 अंश का कोण, 2:10 पर 5 अंश का कोण, 3:15 पर कितना हो जाएगा 7.5 अंश का कोण, 4:20 पर 10 अंश का, 5:25 12.5, 6:30 15 आपका, 7:35 17.5, 8:40 20। मतलब क्या है जितना भी 1:5 में है वो मिनट का क्या है आधा, जितना भी 1:6 है वो मिनट का क्या है आधा। तो उम्मीद कर रहा हूं कि ये बात समझ में आ गई होगी। और ये प्रश्न सीधे एग्जाम में आते हैं और दो प्रकार के बच्चे एग्जाम में बैठते हैं, एक क्या करते हैं हर प्रश्न में फार्मूले का प्रयोग करते हैं, जबकि इस प्रश्न के लिए फार्मूले के प्रयोग की जरूरत ही नहीं थी, आप सीधे आंसर दे सकते थे। क्लियर, चलिए इसके बाद में अगर अगला प्रश्न लिखूंगा
देखिएगा बहुत ध्यान से समझिएगा। तो ये बात उम्मीद कर रहा हूं कि आपको समझ में आ गई होगी कि अगर दिया गया समय 1:5 या 1:6 में होगा तो मिनट का आधा हमेशा कोण बनेगा। अब समझिएगा यहां पर बहुत ध्यान से, अगर हमने आपको एक समय दिया कि 10:40 पर कितने अंश का कोण बनेगा। तो अब बहुत से बच्चों के दिमाग में आता है कि सर आपने 1:5 बताया, ये 1:5 भी नहीं है, आपने 1:6 बताया, ये 1:6 भी नहीं है। इसमें अनुपात की अगर बात करें तो भैया कितना बन रहा है, 1:4। कितना बन रहा है बेटा, 1:4। तो अब क्या करेंगे, अब बहुत बच्चे कहेंगे कि सर जी इसमें भी मिनट का आधा कर देंगे। एक बात बताओ, अगर सभी में मिनट का आधा ही करना है तो मैं सीधे ही कह सकता सब में आधा कर दो, मतलब हर ट्रिक सभी सवालों में नहीं लग सकती। यहां पर क्या है, 1:4। तो समझिएगा बहुत ध्यान से दोनों बातें आप, अगर 1:5 हो, 1:6 हो तो मिनट का आधा, मिनट का क्या आधा। लेकिन यदि समय 1:4 में हो, यदि समय 1:4 में हो तो मिनट का 2 गुना हमेशा कोण बनेगा। मिनट का क्या भैया, 2 गुना। अब देखिएगा, 2 ट्रिक से सवाल कितने हल हो सकते हैं। अब आप कहोगे कि सर 10:40, मिनट कितना है भैया 40, और 40 का 2 गुना कितना होता है 80। मतलब आंसर आ गया 10:40 पर कितने अंश का कोण बनेगा, 80 अंश का कोण। तो अब यहां पर कितने प्रश्न क्लियर हो गए कि अगर 1:5 हो तो मिनट का आधा, 1:6 आपका 6 हो तो मिनट का आधा, और 1:4 हो तो मिनट का 2 गुना हमेशा कोण बनेगा। इतनी बात सबको क्लियर। अगर किसी बच्चे को कोई बात ना समझ मारी हो तो भाई पूछ सकते हो, कोई भी बच्चा अगर ना समझ पा रहा हो भाई, जो भी देख रहे हैं बच्चे। चलिए, अंकित यादव 80 दे रहे हैं, ऋषभ सिंह, गीता वाजपेयी 18, क्या था भाई 80, ठीक है मिनट का 2 गुना। चलो बहुत बढ़िया भाई, क्लियर। तो ये बात समझ में आ गई है। चलिए मैं कुछ सवाल आपको दिखाता हूं, उन सवालों को आप समझिएगा। जैसे एक देखिए सवाल आपके सामने इस समय दिख रहा है, बहुत ध्यान से समझिएगा। आप देखिए ये एग्जाम का प्रश्न है, और अगर मैं जैसे हर वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा बोलता हूं, और जो बच्चे मुझसे पढ़ते हैं मैं नैनो सेकंड की बात अक्सर क्लास में बोलता हूं। नैनो सेकंड का मतलब मैं बताता भी हूं कि जितनी देर में नैन प्रश्न को देखें उतने सेकंड में प्रश्न हल हो जाना चाहिए, उसको कहा जाता है नैनो सेकंड। इस प्रश्न को जितनी देर में बस नैन आपके देख रहे हैं उतनी देर में हल होगा। भाई एक बात बताओ, 3:15 है, कितना है 3:15। समझिएगा बहुत ध्यान से, समय दिया है भाई 3:15। अब कुछ बच्चे क्या कर रहे होंगे, फार्मूले का प्रयोग ले, कुछ बच्चे कह रहे होंगे सर बड़ा आसान बता दिया भाई, 3:15 का मतलब ही हुआ है कि 1:5। क्या हुआ भैया, 1:5। और अभी आपने क्या सीखा था कि अगर 1:5 हो तो मिनट का क्या कर देते हैं, आधा। और 15 का आधा कितना होता भाई, 15 का आधा 150 तो होता नहीं होगा, 15 का आधा अगर हम देखेंगे तो कितना होता है 7.5 अंश का कोण, मतलब नैनो सेकंड में इसका आंसर आ गया। आई बात समझ में कि नहीं, जैसा मैं बोलता हूं ईमानदारी से बताओ, आई बात समझ में कि नहीं। जो भी बच्चे देख रहे हैं इस बात को अगर कंफर्म हो पाए हो तो एक बार मुझे बता दें। अच्छा मैथ्स भाई प्लीज डेली पढ़ा दिया करो, जरूर पढ़ा देंगे भैया, जरूर पढ़ा देंगे भैया, मैथ्स भाई अनुज जरूर पढ़ा देंगे भैया, डेली पढ़ा देंगे, सुपर पूरे दिन पढ़ा देंगे। और बताओ ठीक, बस पढ़ना चाहो, आ गई बात समझ में कि नहीं।
चलिए क्लियर, ये वाला सवाल हर बच्चे को क्लियर हो गया होगा। मैंने वही प्रश्न आपको दिए हैं जो एग्जाम में आए हैं, और मैं क्यों इन प्रश्नों को बता रहा हूं क्योंकि समय लेते हैं। मैं इसको पूरा विधिवत तरीके से भी आपको सब कुछ एक एक बात बताऊंगा। बहुत बच्चों को लगता होगा क्या सर समय सब 1-5 और 1-4 वाले ही आते हैं, बहुत से समय आते हैं, हर टाइप के मैं बताऊंगा आपको। चलिए देखिएगा अगला प्रश्न, अगर हम यहां पर देखें तो अगला प्रश्न अगर आपको दिख रहा होगा तो आप तुरंत क्लिक कर सकते लगेगा और आनंद भी आने लगता है। ठीक है, बच्चों को पढ़ने में अच्छा तभी लगता है जब उनके आंसर आते हैं, आंसर नहीं आते तो उनको लगता है कि पढ़ाई गड़बड़ है। अब देखिए आंसर कैसे आ रहे हैं भाई, 8:48। आप कहोगे सर 8:48 तो अब हम देखते ही नहीं है, अब हम क्या देखते हैं इसके बीच क्या भैया, अनुपात। क्या देख रहे हैं भाई, अनुपात। और अनुपात की अगर हम बात करें भाई तो अनुपात हो गया है 1:6। और अभी हमने क्या बात बताई थी, 1:6 का मतलब का आधा, क्या बताया था, मिनट का आधा, और 8:48 का मतलब हो गया 1:6। और मिनट का आधा भाई कितना हो जाएगा, 48 का आधा देखिएगा ऑप्शन दिया गया है 24। बात क्लियर की नहीं, ठीक है। तो आप देखिएगा यहां पर दो प्रश्न हम लोगों ने किए और कोई फार्मूले का प्रयोग नहीं किया, और सीधा आंसर आया कि अगर दिया गया समय 1:5 में है तो भी मिनट का आधा, समय 1:6 में है तो भी मिनट का आधा। चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं। यहां पर अगला प्रश्न आपको दिख रहा होगा 9:54। अब आप सेकंडों में आंसर दे सकते हैं, थोड़ा भाई टीम गड़बड़ है। देखिए भाई वो भी हो रहा है ना, बहुत बफरिंग हो रहा है, स्लो भी चल रहा है, तो चाहे रोक दो भी क्योंकि ऐसे रिदम रुक जाता है ना बार बार। स्टॉप कर, बोल देगा नेट के कारण। चले दे सकते हैं, थोड़ा भाई टीम गड़बड़ है।